Good morning, viewers. This is Sukhvinder, KVS. Yet another topic, tenses, which is very important part of English grammar. अगर हम ग्रामर को लैंग्वेज का बैकबोन कहते हैं तो टेंसेस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बैकबोन. ओके, तो टेंसेस जो है दिस इज एक्चुअली टाइम ऑफ एक्शन इन अ वर्क. सो वी विल सी हाउ वी प्रोसीड विद टेंसेस. Please subscribe the channel if not done so far. I hope and assure you that this will definitely help you in the coming days. So tenses ko jab hum broadly matlab distribute karte hain to it is present, past and future. Present jo abhi hai, past jo beet chuka hai, future jo aane wala hai. And all these conclude an action and it shows what is the correct time of an action. And its degree of completeness is decided with the help of these four subparts: simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Simple condition is when the action is we are not sure about the completeness of action. Continuous when हमें जब लग रहा होता है कि कार्य हो रहा है. और perfect जब किसी कार्य की समाप्ति का बोध होता है या हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि नाउ द वर्क इज ओवर, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसमें ऐसा इफेक्ट आता है कि ये काम पहले से ही जारी है लेकिन अभी भी उसका कुछ पोर्शन जो है वो बचा हुआ है. तो कंप्लीट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस एक्शन, दीज ऑल आर connected with each other. So when we talk about tenses, we need to know all these four subparts in detail for every major part of tense, that is present, past and future. Now broadly speaking, we have 12 types of tenses: simple present, present continuous, present perfect continuous, simple past, past continuous, past perfect continuous. इसी तरह से future में भी चार है: simple future, future continuous, future perfect continuous. Dear students, बहुत easy लगता है देखने में कि 12 part है लेकिन इनके भी आगे assertive, negative, interrogative, वो और इनके अपने अपने sub parts है. So let us see these pictures. She swims, she plays, they play, she studies. Now the basic rule of these tenses, we'll start with simple present tense today. क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि चार हर एक के सब पार्ट्स हैं हर एक टेंस के और उनको कैसे हम अलग अलग से समझेंगे ताकि हमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आगे ना आए. तो ग्रामर में अगर आप ग्रामर में थोड़ा सा भी ध्यान लगा के पढ़ते हो तो आई थिंक सो ये स्पोकन English also will improve a lot, because when you will speak, you will be using correct. Although we insist that you need not concentrate on this, क्योंकि वो आपकी fluency को disturb करता है. लेकिन फिर भी बिना grammar के अगर आप कोई बात करते हैं, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है. Okay? जैसे मैं कहूँ कि I am eating food, लेकिन मुझे eating food की जगह मैं eaten बोलती हूँ. तो सुनने वाला ये समझेगा कि मैं ऑलरेडी खाना खा चुके हैं. तो इस तरह से ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज में. सो लेट अस सी रूल 1 व्हिच टॉक्स अबाउट SES प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज बेस फॉर्म, प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम S और ES लगाते हैं. तो अब ये समझना है कि S कहाँ लगेगा और ES कहाँ लगेगा. तो S is used with a consonant. अगर verb consonant पे end होता है, जैसे sit, S-I-T, तो T is a consonant, तो T के साथ हम S use करेंगे. अगर verb go है, तो G-O, O is a vowel, so we will add E-S because it is a singular subject. Like here, rule second says, subject plus verb का first form plus object, that is plural subjects. तो यहाँ पे बेस फॉर्म जो है वर्ब का
वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन प्ले, प्लूरल सब्जेक्ट है चिल्ड्रन प्ले, हियर इट इज सिंगुलर चाइल्ड प्लेज। दिस यू विल अंडरस्टैंड डीपली जैसे हम आगे बढ़ेंगे। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस ब्रॉडली इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंस इन द प्रेजेंट एंड फॉर इवेंट्स दैट हैपन रेगुलरली। हैबिचुअल एक्शंस और यूनिवर्सल फैक्ट्स ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजेस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एड्स एन एस और ईएस टू इट। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कि एस और ईएस कहां पर जोड़ा जाता है। एग्जांपल्स ऑफ हाउ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर्मड आर मेसी प्लेज फुटबॉल रियली वेल, आई सिंग व्हेन आई टेक अ शावर, केटी गोज टू वर्क डेली। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। Here are 10 simple present tense sentences. My son lives in London. She plays basketball. He goes to football every day, to play football every day. He loves to play basketball. Does he go to school? It usually rains every day here. It smells very delicious in the kitchen. George brushes her teeth twice a day. Now, George here is brushing her teeth because then brushes word is used because we are explaining, we are talking about an action which is taking place every day. And here it says it usually rains every day here. So, ye bhi ek aisi activity hai jo continuously bar bar repeat ho rahi hai. He gets up early every day. Ye ek again action repeated. So, let us see simple present tense ke rules mein jo formula use hota hai, wo aap कैसे समझोगे इसको। सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान देना कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ आप एस और ई एस अकॉर्डिंग टू वर्ब किस में एंड हो रहा है उसके हिसाब से आप एस और ई एस लगाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि एस is used when the verb ends in the consonant. और consonant और vowels मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में ही बता दिया था। और parts of speech में जो verb है उसी में tenses operate करते हैं। Now subject plus V1, this is original form of the verb when the subject is plural. Okay, इस चीज को ध्यान देना आपको। Then examples में the sun rises in the east, Rita goes to school. These are all सिंपल एग्जाम्पल्स। एवरी डे वी कीप हियरिंग ऑल दीज सेंटेंसेस, ओनली थिंग इज वी डोंट रियलाइज कि हमने इसको क्यों बोला है और कैसे हमें इसको आगे ध्यान रखना है बोलने के लिए। ठीक है, हाउ टू मेक दिस सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव। अभी तो हमने सब पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे हैं, अब नेगेटिव जिसमें नॉट यूज होता है वो हम कैसे बनाएंगे। इसका भी एक फॉर्मूला है। द फॉर्मूला फॉर मेकिंग अ सिंपल प्रेजेंट वर्ब नेगेटिव इज डू और डज प्लस नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब डू कहाँ यूज करेंगे और डज कहाँ यूज करेंगे। डू हम यूज करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, डज हम तब यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और प्लस नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू कैन ऑल्सो यूज द कॉन्ट्रैक्शन डोंट और डजंट इंस्टेड ऑफ डू नॉट और डज नॉट। नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में वी यूज डजंट एंड डोंट। Peter does not want to share the pie. Now here does use why? Because Peter is a singular subject. She doesn't think there's enough to go around. Her friends do not agree. I don't want pie anyway. Now how to ask a question? Negative तो आपने बना लिया, अभी आपने सीख लिया कि negative कैसे convert करना है आपको। Now we are talking about how to ask a question. The formula for asking a question in the simple present is do oblique does. Again, do for plural and does for singular plus subject plus root form of the verb. For example, do you know how to bake a pie? How much does Shelley love pie? तो यहाँ पे आपने देख लिया कि WH type questions में कहाँ पे जाएगा helping verb? क्योंकि दीज आर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स विच हेल्प द टेंस मेन वर्ब। सो हियर इट इज इन द फ्रंट,
इसको हम डू और डज टाइप में इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में बात करते हैं. सो डियर चिल्ड्रन, वी आर ओवर विद दिस टॉपिक प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू वंस अगेन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट सब्सक्राइब येट. आई अश्योर यू दैट यू विल बी बेनिफिटेड बाय these small topics so that you will understand in a better way.